तो आज ही हमारा डे 3 है कुमराट ट्रिप का। अभी हम जहाज बांडा से निकल रहे हैं। बॉयज क्या स्केड्यूल है, किधर जा रहे हैं? कटोरा ले। टाइम क्या बटी साहब? अभी 9:24 हो चुके हैं। 9:24 हो चुके हैं। अल्लाह खैर करे 3 घंटे तक कह रहे हैं कि पहुंच जाएंगे आप। 3 घंटे की ट्रैक है। कहाँ तो है, जल्दी करेंगे। चलें ठीक है सर, लेट्स। तो ये जी हमारे साथ रहमान भाई हैं, हम लोग आज जा रहे हैं कटोरा लेक। तो किस साइड पे रहमान भाई, इधर थोड़ा बताएं। ये कटोरा लेक की ट्रैक जा रही है। अच्छा। और कटोरा लेक तकरीबन यहाँ से 6 किलोमीटर है। यहाँ से 6 किलोमीटर है। अच्छा, वो सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं, इसके पीछे, इसकी बैक साइड पे है। तो रास्ता कैसा है जी? रास्ता भी नॉर्मल ट्रैक है, पत्थरी ट्रैक है, नॉर्मल। कितनी देर लगेगी तकरीबन हमें? तकरीबन हम आराम से जाएंगे तो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। हम लोग इस आबशार को फॉलो करते जा रहे हैं। जो ये पानी है ये डायरेक्ट कटोरा लेक से आ रहा है। हम लोगों ने पीछे एक पहाड़ क्रॉस किए, उसके बाद नीचे उतरे हैं और अब इसकी डायरेक्शन में ही सीधे से जा रहे हैं। मामले कितना रास्ता हो गया अभी तक? आगे भी रास्ता इस तरह सारी पहाड़ी है, पहाड़ी, फिर सीधा जाना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा पहाड़ी, फिर सीधा जाना पड़ेगा, इस तरह ही रास्ता। ठीक हो गया। जो सामने आपको रेड सा हट नज़र आ रहा है, वहाँ से हमने जिस अपनी हाइकिंग स्टार्ट की है। अभी तक यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स भी नहीं हुए और हमें वो वहाँ जाना है, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स। तो ये जी जो पीछे पहाड़ी थी, ये हम इसको क्रॉस करके बाहर की तरफ आ गए हैं। अब आगे सारा ये ट्रैक है, ये बिल्कुल सीधा रास्ता है यहाँ से इसके ऊपर, और हम लोगों ने वो उस पहाड़ के टॉप पे जाना है। उस पहाड़ के पीछे जो है कटोरा लेक है। और अब बाकी यहाँ पे लग रहा है कि जो जहाज बांधने वाली ट्रैकिंग थी वो कुछ भी नहीं थी। अच्छा, ये रहमान भाई को क्या चीज़ है? इसको छोटी लेक कहते हैं। अच्छा, छोटी है, उसका पानी अभी सूख गया, ये दूसरी लेक, वो तीसरा कटोरा लेक। अच्छा, ये सारा पानी कटोरा से आ रहा है आगे जहाज बांडा तक। रहमान भाई कितनी देर है और यार? तकरीबन यहाँ से हमारा अगर अच्छी ट्रैकिंग करेंगे तो आधा घंटा लगेगा, अगर नॉर्मल ट्रैकिंग करेंगे जैसे ये कर रहे हैं हमारा तकरीबन लगेगा 1 घंटा। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब तो दें यार, जो बंदा सबसे पहले यहाँ पे आया था उसे क्या चुल थी यहाँ पे ढूंढने के लिए जी? और यहाँ पर सबसे पहले भी हम लोग आए। अच्छा, आप यहाँ पे आए? हम और राजा साहब। सर हम तो हमारे पास जो भी आता है ना, उनको अगर मुश्किल भी लगती है ना, हम उनको ये नहीं कहते मुश्किल है, हम कहते आसान है, किसी का दिल हम नहीं दुखाते। ठीक हो। वो फिर अगर हम उसको ये कहेंगे सर मुश्किल है, वो आगे ट्रैक नहीं करेगा। हम यही कहते हैं हिम्मत नहीं हारना, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक हो गया, चले ब्रेक खत्म करें फिर चले आगे। जी चले। तो जी हम लोगों ने फाइनली 60% ट्रैक कवर कर लिया और हमें दूर से जो छोटा सा आपको जगह नजर आ रही है जहाँ वाटरफॉल है, ये कटोरा की वाटरफॉल है। ये दिखने में तो करीब लग रही है लेकिन चलते चलते यहाँ भी 1-1.5 घंटा लग जाता है। यार यहाँ की तो ऐसे बस हो गई है, क्योंकि जो आखिरी
ये 2 किलोमीटर हैं, ये टोटल बल्कि 2 से ज़्यादा ही हैं। हमें इस टाइम चले हुए 2.5 घंटे हो चुके हैं और अभी भी वो वहाँ इस पॉइंट तक हम लोगों ने जाना है। ये तो यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे ये तो सांस बहुत चढ़ गया। यहाँ पे इस तरह के बिल्कुल रफ से पहाड़ हैं, यहाँ पे आपके पांव थक जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर हाइकिंग शूज़ तो चाहिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो एक गलती ये की है कि हमारे पास हाइकिंग स्टिक नहीं है जो प्रॉपर वाली होती है। यहाँ पे आपको वो लाजमी चाहिए, क्योंकि कई कई रास्तों से बीच में मडी ट्रैक होता है, वहाँ से आपका पांव स्लिप होने का खतरा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे कटोरा वाले एरिया में पहाड़ जो है वो काफ़ी रफ हैं और यहाँ पे दरख्त नहीं है। यहाँ पे मई जून वाले सीज़न के अंदर बस जो फूल हैं वो खिलते हैं, बाकी सारा टाइम ये ऐसे ही ड्राई और एक रगेड सा लैंडस्केप देते हैं। उसकी वजह ये है कि जो जहाज़ बांडा जहाँ से हम लोग आए हैं वो 9000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे है, और जो कटोरा लेक है जहाँ पे हम जा रहे हैं ये 1000 फीट अबव है, ऑलमोस्ट 10000 फीट पे है। जब यहाँ से आप लोगों को यह आबशार नज़र आनी शुरू हो जाए छोटी सी, उसके बाद अक्सर लोग यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो लोग इस आबशार का पानी शानी पी के उस साइड पे चले जाते हैं ट्रैक के लिए, लेकिन इस आबशार से उस साइड पे नहीं जाना, इस साइड पे रहना है, क्योंकि आगे जाके फिर ये रास्ता डिवाइड हो जाता है, तो फिर आपको वापस पीछे घूम के फिर यहाँ पे आना पड़ता है। तो ये जी अब सबसे फाइनल पार्ट, ये कटोरा लेक का जहाँ पाकिस्तान फ्लैग लगा है ये उसका पॉइंट है। अब ये सारी सबसे टफ पार्ट है, इस तरह की रॉक्स पड़ी हैं, और फाइनली 4 घंटे की स्ट्रगल के बाद जो ये व्यू है सुभान अल्लाह ब्यूटीफुल। इस लेक को कटोरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चारों साइडों से एनक्लोज हुई हुई है पहाड़ों में, तो इसकी शेप जो है वो एक बाउल की तरह बनती है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं कटोरा लेक। तो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं जहाज़ बांडा 4 घंटे की हाइक करके। हाइकिंग ऐसी बात नहीं है कि बहुत आसान है, ठीक है, आम लफ्ज़ों के अंदर इट्स डिफ़िकल्ट, टफ है, और आपको थोड़ी बहुत हिम्मत चाहिए होती है यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, रास्ते में ये पहाड़ और पत्थर वगैरह सब कुछ हैं। तो लेकिन ये कि रास्ते में कोई भी आपको डीमोटिवेट करे, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी अगर, लेकिन यही है कि यहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह नहीं आ सकती, दोस्त वगैरह जिनको हाइकिंग का शौक़ है तो ये शौक़ रखते हैं ट्रैवलिंग का और हाइकिंग का ट्रैकिंग का, सिर्फ वही आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके सिर्फ इस ये व्यू है। ये जहाँ से हम लोग आए थे अब यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं जहाज़ बांडा की तरफ।
ये थोड़ा मुश्किल है यहाँ से। तकरीबन 2:45 का टाइम हो गया और हम वापसी की ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कटोरा में आधा घंटा रुके चाय शाय वगैरह पी के। तो ये जी हमारे साथ रहमान भाई हैं, ये उन्होंने हमारे साथ हमारा गाइड किया है। और मेरा ख्याल है कि जो कटोरा का ट्रैक था ये बिना गाइडेंस के जो है वो करना अचीव करना इम्पॉसिबल है। तो रहमान भी हमारे साथ थे। तो रहमान भाई इसकी हाइट कितनी है कटोरा की? इस कटोरा की हाइट है 10,000 फुट बुलंदी पर और जाज बांडा जो है वो 9,000। यानी कि हम लोगों ने हाइकिंग की जो है फिर ट्रैकिंग सारी ये अप द हिल 1,000 फीट की है जी, 1,000 फुट की। हाँ ठीक हो गया। तो बहुत शुक्रिया रहमान भाई, आपने हमारा साथ दिया। बल्कि मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग कभी आप लोगों का आना जाना हो जहाज बांडा में कुमराट में, तो आप रहमान भाई से लाजमी रब्ता करें। रहमान भाई अपना नंबर बता दें ज़रा। 0345-333-8748 ये हमारा नंबर है, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारा पेज पे भी यही नंबर है, ठीक है, कुमराट मिली के पेज है हमारा, उस पर भी यही नंबर है, आप लोग उस पर भी देख सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया रहमान भाई, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ जी हम ऑलमोस्ट जहाज बांडा के करीब हैं, हमारी ऑलमोस्ट 1 घंटे की हाइक रह चुकी है। तो यहाँ पे मैं अपने कटोरा लेक वाले ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। मे भी शायद क्योंकि ट्रैकिंग मुश्किल थी तो कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी हूँ मेंशन करना बताना, लेकिन फिर भी आई वुड से इन द एंड कि ये वो जगह है कि जहाँ पर आपको लाइक वंस इन लाइफ लाजमी आना चाहिए और जितना लाइक जल्दी हो सके उतना आना चाहिए। क्योंकि वंस यहाँ पे होटल्स वगैरह बन गए, डिफॉरेस्टेशन अब भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगहों पे हो रही है और ये कॉन्स्टेंटली चलनी है, ख़त्म तो होनी नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप, और इसके लिए लाइक एक बट इन सारी एक्टिविटीज़ की बहुत अच्छी एक्टिविटी है लेकिन इनकी एक एज होती है जहाँ पे लाइक फिजिबल होता है। ये नहीं कि आप इम्पॉसिबल हो, लेकिन ये कि जहाँ पे आप फिजिबली हाइकिंग कर सकते हो, देखिए 20-25-30 मैक्स। यहाँ पे हमने लोग जो हैं वो 40-50 के भी देखे हैं, इवन कि हमने कुछ बुज़ुर्ग लोग भी देखे हैं जो 75 जिनकी एज थी वो भी यहाँ पे आए हैं। उन्होंने पहले जहाज़ बांडा की भी हाइकिंग की, उसके बाद उन्होंने कटोरा लेक की भी हाइकिंग की। तो ये बड़ी बात है, बट लेकिन ये हर कोई तो नहीं कर सकता। तो आप लाजमी यहाँ विज़िट करें और यहाँ के ये पता लगेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहाज़ बांडा की हाइकिंग कुछ भी नहीं थी इस हाइकिंग के सामने। लोग कहते हैं कि लाइक करने को हो जाती है, सर आपकी माइंड सेट ही गेम है, अगर आपने एक बार सोच लिया कि हाँ जी मैंने करनी है तो हो जाती है, इट टेक्स टाइम। हमें जाते हुए ऑलमोस्ट 4 घंटे लगे हैं और वापसी भी हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं और अभी 1 घंटे की ट्रैक और रहती है। इतनी खुशी वापस पहुंचने की, ये अभी भी 1/2 घंटे की हाइक और है। वो उस पहाड़ के पीछे से लेके ये सारा रास्ता